हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी हट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जॉय हेलो सन सनब्लॉक एंड एंटी टैन लोशन का रिव्यू करूंगी। ये सनस्क्रीन कैसा है इसकी नॉलेज के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ब्यूटी हट को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। यहाँ पर कंपनी ने मेंशन किया है UVA प्लस UVB प्रोटेक्शन विद रसबेरी सीड ऑयल, PA++ SPF 20। ये एक छोटी पैकेजिंग है, ये 40 ml की पैकेजिंग है। ये ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट है। बाकी इसकी 100 ml की पैकेजिंग आपको 85 rupees की मिल जाएगी और इसकी शेल्फ लाइफ 3 ईयर है। बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स की तो रसबेरी सीड ऑयल एंटीऑक्सीडेंट का ग्रेट सोर्स है और इसमें एसेंशियल फैटी एसिड हैं। ये UVA और UVB रेस से हमें प्रोटेक्ट करता है और इसमें रिच विटामिन ए और ई हैं। टिटेनियम डाइऑक्साइड सेंसिटिव और एक्ने प्रोन स्किन पर काफ़ी इफेक्टिव है और ये UV रेस से प्रोटेक्शन देता है। SPF 20 UVB रेडिएशन को 93% ब्लॉक्स करता है और सनबर्न को रिड्यूस करता है। PA++ सन से होने वाले डैमेज यानी पिगमेंट और डार्कनेस को रोकता है और इसमें जो जिंक ऑक्साइड है वो कोई भी एलर्जिक रिएक्शन नहीं करता। तो अब मैं आपको इसे यूज़ करके दिखाती हूँ। आप अपने फेस को वॉश करने के बाद सुखा लें और उसके बाद इसे फेस पे, अपने नेक पे, हैंड्स पे या अदर जो भी आपके पार्ट्स खुले होते हैं बाहर जाने से पहले इसे अप्लाई कर लें। जब आप बाहर तेज़ धूप में जा रहे होते हैं तो आपको इसे 30 मिनट्स पहले लगा लेना है। ये हमारी बॉडी पर लगभग 4 घंटे तक वर्क करता है। आप अगर बाहर हैं तो इसे दोबारा अप्लाई करें। ये सनस्क्रीन ऑल स्किन टाइप्स के लिए है और ये पैराबिन फ्री है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है। जॉय सनस्क्रीन लोशन मैन एंड वुमेन दोनों के लिए सुटेबल है। जॉय सनस्क्रीन लोशन नॉन स्टिकी है और हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, यानी इसे लगाने के बाद हमारी स्किन थोड़ा मॉइस्चराइज हो जाती है, उसमें बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं रहती। ये लोशन फ्रेग्रेंस फ्री है और काफ़ी लाइट वेट है और स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। इस सनस्क्रीन में SPF 20 है तो ये आपको मीडियम प्रोटेक्शन देता है। तो अगर आप अपने फेस पे ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहते हैं तो आपको कम से कम SPF 50 लेना चाहिए। मैंने जॉय सनस्क्रीन के अलावा भी और सनस्क्रीन के वीडियोस अपने चैनल पर डाले हुए हैं तो आप जाकर चैनल पर चेक कर लेना। अगर इस सनस्क्रीन के वाइट कास्ट की बात करें तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, मुझे तो इसमें किसी भी तरह का कोई वाइट कास्ट नहीं लगा, एक नॉर्मल क्रीम की तरह ही लगी। इस सनस्क्रीन को यूज़ करके किसी भी तरह की कोई इरिटेशन नहीं हुई है। ये नॉन ऑयली, लाइट वेट और नॉन ग्रीसी है और ना ही कोई वाइट पैचेस छोड़ती है और सन डैमेज से मीडियम प्रोटेक्शन देती है। तो मेरे अकॉर्डिंग प्राइस के हिसाब से ये एक अच्छा सनस्क्रीन लोशन है। तो अगर आप बजट फ्रेंडली सनस्क्रीन लोशन चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर लेना। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसी ही और वीडियोस के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।